देखो, फर्स्ट क्वेश्चन वॉज यूजिंग वी लुकअप फाइंड द बर्थ रेट एंड इंटरनेट यूजर्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू द गिवन कंट्री कोड्स इन शीट थ्री. तो शीट थ्री में हमारे पास कंट्री कोड है कॉरिस्पॉन्डिंग बर्थ रेट एंड इंटरनेट यूजर्स निकालने यूजिंग वी लुकअप. तो वी लुकअप हम कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वी लुकअप बिकॉज मुझे इस शीट में चाहिए. अब लुकअप वैल्यू मेरा ये हो जाएगा, राइट? टेबल आ रही क्या होगा, ये पूरा टेबल कंट्रोल ए करके, हम कंट्रोल शिफ्ट ए करके, एक सेकेंड, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे टेबल. अब टेबल जब सिलेक्ट करते हैं वील मेक इट व्हाट, एब्सोल्यूट. बिकॉज क्यों एब्सोल्यूट बनाना है, मुझे वहाँ पे ड्रैग करना है अपना वी लुकअप का वैल्यू, राइट, फंक्शन. तो इसे हम एब्सोल्यूट, टेबल विल नॉट चेंज. चाहे आप वी लुकअप राइट शिफ्ट करो, कहीं पे भी ड्रैग करो, द टेबल शुड नॉट चेंज. तो इसे हम क्या बनाएंगे? एब्सोल्यूट बनाएंगे. इसे हम एब्सोल्यूट बना देंगे, राइट, बिकॉज द टेबल शुड नॉट चेंज. तो हमेशा एब्सोल्यूट बना देना जो चीज़ नहीं चेंज करना. अब एक चीज़ देखो, व्हेन आई एम टाइपिंग माई इक्वेशन ऑफ फंक्शन इन दिस सेल, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, प्रैक्टिस शीट टू एक्सक्लेमेशन मार्क. हमेशा ऐसा होता है, हम लोग जब दूसरे शीट का सेल सेलेक्ट करते हैं तो ये शीट नेम आ जाता है पहले, एक नॉट एन इशू, कुछ गड़बड़ नहीं होगा. जस्ट कॉमा प्रेस करो एंड देन कम बैक टू द सेम शीट. आप लोग ना वापस उस शीट में मत आ जाना. सपोज़ क्या हुआ, मैंने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया एंड मैं वापस दूसरी शीट में चली जाऊँ ना, तो द शीट नेम विल चेंज. देखो यहाँ पे एरर आएगा. तो आप लोग दूसरी शीट में मत चले जाना, उसी शीट में रहना, एरर आ जाएगा वरना. ठीक है, ये क्लियर है? कॉमा दिया, हम लोग का टेबल आ रही हो गया, एक सेकेंड, लुक का वैल्यू चला गया. कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? कॉलम जिस जिस कॉलम से मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से कॉलम से मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है? थर्ड कॉलम से, बर्थ रेट वाले कॉलम से. सो आई प्रेस, इसको हटा देते हैं, थ्री एंड देन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच. ये एरर तो आई गई. वापस करते हैं वी लुकअप, दिस इज माई लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, इसको हम एब्सोल्यूट कर देते हैं. अच्छा, राइट, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए. सो दिस इज कंट्री कोड. तो अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग को कंट्री कोड से सिलेक्ट करना है, राइट. तो इसको हम कर देते हैं ए को बी कर देते हैं, तो टेबल यहाँ से सिलेक्ट होगा क्योंकि यहाँ मुझे कंट्री कोड शुड बी ऑन द लेफ्ट मोस्ट. तो ये हो गया एंड अब बस हम टू देंगे बिकॉज मेरा ये जो टेबल मैंने सिलेक्ट किया है उसका सेकेंड कॉलम इज द बर्थ रेट एंड देन फॉल्स. अब बस इसे हम ड्रैग करेंगे एंड मेरा सारा वैल्यूज आ जाएगा. सिमिलरली इंटरनेट यूजर्स निकालने हैं. अब देखो, इंटरनेट यूजर्स जो निकालने हैं मुझे, सेम फंक्शन डलेगा, खाली टू के जगह क्या डालने हैं, थ्री, बिकॉज द टेबल रिमेन्स द सेम. तो हम क्या करेंगे, वापस फंक्शन टाइप नहीं करेंगे, हम लोग इसको खाली राइट ड्रैग कर देंगे. पर जब राइट ड्रैग करेंगे, दिस बिकम्स ए टू बी टू, ए टू बिकम्स बी टू. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए को, खाली ए को एब्सोल्यूट बना सकते हैं. खाली ए को अगर एब्सोल्यूट बनाएंगे और जब इसको राइट ड्रैग करेंगे, तो देखो राइट ड्रैग करके भी क्या चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ टू थ्री, तो ये खाली थ्री कर दो एंड इसको ड्रैग कर दो, यू विल गेट इंटरनेट यूजर्स. फिर से फंक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा.
तो हमेशा याद रखना, टेबल जो सिलेक्ट करते हो उसको एब्सोल्यूट करना है FNF4 या फिर F4 प्रेस करके. एंड लुकअप वैल्यू तो ऑब्वियसली पता है क्या होता है, कौन से कॉलम से हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है वो, एंड फॉल्स. एंड हमेशा याद रखना द लुकअप वैल्यू शुड बी लेफ्ट मोस्ट इन द टेबल सिलेक्टेड, इसलिए हम कंट्री कोड से कर रहे हैं. जब पहले कर रहे थे तो मेरा एरर आ रहा था NA, NA का एरर आ रहा था बिकॉज हम लोग पहले से सिलेक्ट कर रहे थे. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, डन. ये समझ में आया, आंसर्स मैच हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट है, यूजिंग इंडेक्स मैच मैच फाइंड द बर्थ रेट एंड इंटरनेट यूजर्स फॉर गिवन कंट्री कोड्स, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो ये जो कंट्री कोड्स दिया हुआ है मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में, ये जो कंट्री कोड्स दिया हुआ है, इन कंट्री कोड्स का मुझे बर्थ रेट एंड इंटरनेट यूजर्स निकालने हैं इस तरीके से. तो यहाँ पे वील क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कंट्री कोड्स. कैसे क्रिएट करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट? डेटा वैलिडेशन लिस्ट एंड सोर्स में वी सिलेक्ट ऑल द वैल्यूज जो भी है. ओके किया, आई विल गेट माई वैल्यूज. सिमिलरली रेट में भी कर देते हैं डेटा वैलिडेशन लिस्ट एंड ये वैल्यूज. तो यहाँ मुझे वैल्यूज मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसके बाद मुझे आंसर चाहिए यूजिंग इंडेक्स मैच मैच फंक्शन. अब ये देखना, इंडेक्स सबसे पहला तो एरे, टेबल एरे होगा पूरा जो हमारा टेबल है, क्योंकि उसमें से ही मुझे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं. तो हम क्या करेंगे, अपना पूरा पूरा स्टार्टिंग से कर सकते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स फंक्शन में वैसा कोई दिक्कत नहीं होता. पूरा टेबल सिलेक्ट किया और क्या किया, एब्सोल्यूट करने का ज़रूरत है नहीं बिकॉज हमें ड्रैग करना है नहीं. बट देन अगेन ऑन अ सेफ साइड, आप लोग इसको एब्सोल्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो रो नंबर बताने हैं. रो नंबर यानी कि कौन से रो से मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से रो से, ये CHN, इसके रो से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है. तो बेसिकली रो बताने के लिए मैच फंक्शन में हम कॉलम बताते हैं, है ना? तो मैच फंक्शन में रो बताने के लिए हम कॉलम बताते हैं. तो मेरा लुकअप वैल्यू विल बी दिस कंट्री कोड एंड लुकअप एरे विल बी बताओ कंट्री कोड कॉलम. कहाँ से? इधर से सिलेक्ट करेंगे, कंट्री कोड से करें ऊपर से, बिकॉज टेबल भी हमने यहीं से सिलेक्ट किया है. सो दिस इज़ काउंटेड एज फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो हम यहीं से करेंगे सिलेक्ट पूरा टेबल पूरा रो. एंड देन 0 फॉर एग्जैक्ट मैच. ये हो गया हमारा रो नंबर स्पेसिफाई. अब कॉलम नंबर वापस मैच फंक्शन से बताएंगे. कॉलम नंबर बताने, कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, बर्थ रेट या इंटरनेट यूजर्स, बर्थ रेट या इंटरनेट यूजर्स, राइट? तो यहाँ पे हमें रो स्पेसिफाई करना है क्योंकि कॉलम नंबर चाहिए. तो हम लुकअप वैल्यू में क्या डालेंगे, लुकअप वैल्यू में बर्थ रेट डालेंगे. अब वापस उस शीट में कभी मत जाना, सिंपली कॉमा करना एंड फिर जाना. अगर बिना कॉमा की उस शीट में जाओगे तो वापस शीट नेम यहाँ पे प्रैक्टिस शीट 2-2 है, 2 हो जाएगा. बिना कॉमा किए अगर आप उधर चले गए तो देखो एरर आएगा. तो इसीलिए हमेशा ट्राई करो, प्रैक्टिस शीट भी चेंज हो गया, हमेशा ट्राई करो. पहले टाइप कर दो अपने फंक्शन को एंड देन सिंपली कॉमा करके उधर जाएंगे. ठीक है, अब हमें क्या सिलेक्ट करना था, ये पूरा रो 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज किया 12.1. अब इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मेरा वैल्यूज भी चेंज हो रहा है. क्लियर है इंडेक्स मैच फंक्शन? हमेशा याद रखना एक रो नंबर स्पेसिफाई करने के लिए कॉलम सेलेक्ट करते हैं एंड कॉलम नंबर स्पेसिफाई करने के लिए रो स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, क्लियर है फर्स्ट टू क्वेश्चन, नेक्स्ट करें. ठीक है, नेक्स्ट है वैलिडेट द कंट्री कोड्स कॉलम. ऑल दैट शुड ऑलवेज कंटेन 3 लेटर्स एंड गिव एन अप्रोप्रिएट मैसेज. तो ये जो मेरा है कॉलम शुड ऑलवेज कंटेन
थ्री लेटर्स एंड एन अप्रोप्रिएट मैसेज मुझे देना है। तो हम क्या करेंगे, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, मेरा ऑलरेडी किया हुआ है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंथ कितना शुड बी माई टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू थ्री करना है, बिकॉज थ्री ही चाहिए, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इनपुट मैसेज में मैंने दे दिया कंट्री को शुड बी ऑफ थ्री लेटर्स। एरर में आपको जैसे भी एरर देना है तो आप एरर दे दो। यहाँ पे सपोज एरर शुड बी ऑफ थ्री लेटर्स, ओके किया। एंड अगर आप अब कुछ और भी ट्राई करो करने का, सपोज AUTT, तो एरर आएगा। क्लियर है, इसे हम कैंसिल कर देंगे तो रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है कैसे हमने डेटा वैलिडेशन किया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू द इनकम ग्रुप। अब ये मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, हाई टू लो। आप लोगों को कैसे सॉर्ट करना है इसको, याद रखना हाई इनकम, फिर अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड लो इनकम, इस तरीके से जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली होम टैब, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट। क्योंकि अगर ए टू जेड करोगे या जेड टू ए करोगे तो इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, हाई इनकम, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, फिर लो इनकम ग्रुप, ऐसा मुझे चाहिए। तो अगर ए टू जेड या जेड टू ए करोगे तो ये वाला चीज़ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, कस्टम सॉर्ट करेंगे, कस्टम सॉर्ट करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, सॉर्ट बाय इनकम ग्रुप। इनकम ग्रुप की जैसे सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द वैल्यूज, एंड देन ऑर्डर में, ऑर्डर में आप लोग क्या करोगे, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में जब जाओगे तो यहाँ आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, हाई इनकम, फिर अपर मिडिल इनकम, लो, लोअर है कि लो है, लोअर मिडिल इनकम एंड देन लो इनकम, ऐसे पूरा स्पेसिफाई करके ऐड किया। फिर इसे हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारा, जो मैंने टाइप किया था, एंड ओके। तो ये वैसे सॉर्ट हो जाएगा पूरा। क्लियर है कैसे करेंगे, हुआ था ये कस्टम सॉर्ट। लास्ट देखो, फॉर्मेट द सेल्स विच कंटेन्स द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट बर्थ रेट एंड इंटरनेट यूजर्स। हाईएस्ट होगा रेड से एंड लोएस्ट होगा ग्रीन से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वील सिलेक्ट द इंटायर कॉलम, ठीक है, सिलेक्ट द इंटायर कॉलम। फिर कौन सा फीचर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कौन सा रूल, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स। इसमें टॉप 10 को क्या कर देंगे, वन कर देंगे, एंड जैसे भी मुझे करना है टॉप को क्या करना था, रेड, तो इसको रेड कर देंगे चेंज, फॉर्मेट करके, यहाँ पे फॉर्मेट करके आप लोग रेड कर देना, रेड टेक्स्ट या जो भी बोला है आपको, एंड ओके। एंड सिमिलरली फॉर द लोएस्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, बॉटम 10 आइटम्स इसको हम करेंगे वन, बॉटम वन आइटम, एंड ये हो जाएगा ग्रीन। कस्टम फॉर्मेट, फिल शुड बी ग्रीन, देख लो ग्रीन हो गया हाईएस्ट, लोएस्ट, एंड देखो दो बार आ रहा है आई थिंक, एंड सबसे हाईएस्ट जो होगा वो जाएगा रेड। क्लियर है, पांचों क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अब क्या करना है, प्रैक्टिस शीट थ्री हमने कर लिया था, फोर करोगे फ्रीक्वेंसी एंड ऑफसेट फंक्शन है, एंड फाइव करोगे इसमें डेटा टेबल्स है। ये दोनों करना, वील डिस्कस दिस नेक्स्ट क्लास, फोर एंड फाइव, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिस शीट पूरा ख़त्म हो जाएगा, दोनों दोनों का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर और फाइव करना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे।